Hey, what's going on, guys? Welcome to the channel. तो भाई आज मैं जाने लगा हूँ वाशिंगटन डीसी में मैं जा रहा हूँ चाइना एम्बेसी भाई, क्योंकि फाइनली 2.5 महीने बाद भाई मेरा वीज़ा रेडी हो गया, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। जो है ना सुबह का टाइम है, जो है अभी ठंड भी बहुत हो रही है यार। ये देखना, अभी गाड़ी स्टार्ट की हुई है मैंने, पूरा विंडशील्ड पे जो है ना बर्फ़ जमी हुई है। तो भाई जो है अभी सुबह का टाइम है, जो है ना तकरीबन देखो यार क्या टाइम हो रहा है, हाँ भाई सुबह के 7 बज रहे हैं जो है ना, 7:07। तो तकरीबन 5 घंटे का रास्ता है वाशिंगटन डीसी का, वो भी अगर ट्रैफिक अच्छी हुई, क्योंकि डीसी की ट्रैफिक बहुत गंदी है। लेकिन कोई बात नहीं आज, क्योंकि आज हम बहुत एक्साइटेड है भाई कि 2.5 महीने के बाद हमारा चाइना का वीज़ा लग गया है। क्यों इतना टाइम लगा वो मैं कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन आज हम फोकस करेंगे पॉजिटिव में भाई। आज हम वहाँ पहुँचेंगे जो है ना, और आज सेलिब्रेट करेंगे। तो भाई अभी थोड़ी देर में बात होती है जब मैं निकलूँगा। तो भाई अभी मैं रुका था रॉलिंस वर्जीनिया में जो है ना, यहाँ पे गैस वगैरह दिलवाने के लिए और डंकी डोनर्स पे डोनर्स कॉफ़ी वाफ़ी खाने के लिए जो है ना, तो यहाँ पे रुका था रेस्टरूम वगैरह यूज़ करने के लिए। तो तकरीबन आधा रास्ता हो गया है जो है ना, शोर हो रहा है अभी इसलिए मैं अंदर नहीं है। तो तकरीबन आधा रास्ता हो गया है जो है, ट्रैफिक इतनी बुरी नहीं थी। नॉर्थ कैरोलिना में था थोड़ा एक्सीडेंट, थोड़ा सा था, बट थोड़ा सा स्लो डाउन था, तो बाकी तो सब सही जा रहा है जो है ट्रैफिक वगैरह भी। तो 2.5 घंटे का रास्ता रह गया है भाई जो है ना, तो वर्जीनिया जाके पता चलेगा वाशिंगटन डीसी जाके कि ट्रैफिक कैसी है। तो अभी तक तो सही है, वैसे तो सही होनी चाहिए क्योंकि रश आवर तो ख़त्म हो गया है जो है। तो भाई जल्दी जल्दी ये सफ़र कर रहे हैं भाई, मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा अपना पासपोर्ट और अपना चाइना वीज़ा लेने के लिए। तो भाई जो है ना अब थोड़ी देर में बात होती है। जब मैं रुका था ना यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं था यार ये एक्सप्रेस डंकिन डोनट है, तो एक्सप्रेस का मतलब यार खुद ही बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। इसलिए मुझे डंकिन डोनट वगैरह पसंद है कि वो सब चीनी वीनी सब खुद डाल के देते हैं, यहाँ पे खुद करना पड़ेगा एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस वो भी है लिटिल सीज़र एक्सप्रेस, ये यार मैंने पहली बार देखा है लिटिल सीज़र एक्सप्रेस, तो अच्छा है वैसे तो जल्दी में दे ले बंदा। तो बस यही है, तो मैंने तो ले लिया जो ना गाड़ी वाड़ी में रख दी अपनी कॉफ़ी वगैरह, तो अब निकलते हैं। अब ओके सो भाई मैं पहुंच गया हूँ वाशिंगटन डीसी चाइनीज़ एम्बेसी भाई जो है ना। गाड़ी अभी मैंने भी ये पीछे पार्क कर ली है गाड़ी जो है ना, तो अब मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा जो है ना, मैंने तो रोड पे ही खड़ी कर लिया, वैसे तो गैराज भी है जो है ना, और ये मीटर भी लगे हुए हैं, ये पीछे जो है ना मीटर भी लगे हुए हैं। लेकिन जो है वैसे फ्री पार्किंग है जो है ना, 2 घंटे की, सुबह 7 बजे से शाम जो है 4 बजे तक। तो वैसे मुझे इतनी देर तो नहीं लगेगी, तो देखते हैं भाई, 2 घंटे तो नहीं लगने चाहिए जो है, ज़्यादा सा 1 घंटा लग जाएगा। जब मैं आया था तब ड्रॉप ऑफ करने अपना तब लगे थे 2 घंटे, तो अब तो खाली पिकअप कर रहा हूँ, तो अब देखते हैं भाई कितनी देर लगेगी। तो भाई ये जो पीछे है ना जाने, ये लिखा हुआ है बार, ये गैराज है यहाँ पे, ये पूरे दिन का जो है $12 लेते हैं जो है ना, तो पूरा दिन तो नहीं लगेगा मुझे दोस्तों। जब पहले आया था तब मैंने खड़ी की थी वहाँ पे, वैसे पूरा दिन तो नहीं लगेगा, अब जो है मैं तो बस पिकअप करने आया हूँ। ये अंदर आके ना कोई साइन लगा हुआ है ना कुछ लगा हुआ है, किसी को पता भी नहीं चला यार बाहर ना साइन लगा हुआ है चाइनीज एम्बेसी का। जब पहले आया था तो मैं घूम गया था, तो ये छोटा सा लगा हुआ है साइन जो है ना, तो ये अंदर जाता हूँ मैं।
ओके सो भाई मुझे जो है ना अभी वीज़ा मिल गया है, जो है ना खुश हूँ मैं, लेकिन इतना खुश नहीं हूँ यार। खाली 2 साल का दिया है, लेकिन मल्टी एंट्री है जो है ना, 2 साल का मिल गया है मल्टी एंट्री, 10 साल का नहीं मिला मुझे। चलो कोई नहीं, एक मेरा था जानने वाला, उसे तो खाली 3 महीने का दिया था, तो एटलीस्ट मुझे 2 महीने का तो 2 साल का तो मिला मुझे, बेचारा तो 10 साल का मिला। चलो 2 साल भी सही है। तो भाई यही था आज का एडवेंचर जो है। तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लेना मेरे से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो होती है बात अगली वीडियो पे।